अटरिया पे हजारे सवरिया देखा देखी तनिक हुई जाए हमरी अटरिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मयूर और आज मैं आपको बताऊंगा सिंगिंग सीखने की सही एज क्या है और किसी भी एज में सिंगिंग सीखने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, जिससे कि आप आसानी से म्यूज़िक सीख सकें। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और साथ ही बेल आइकन को दबाएं मेरा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक बात आप सबने ज़रूर सुनी होगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन कई लोग जिस तरह के सवाल रिलेटेड मुझे पूछते हैं तो मैं समझ भी पाता हूँ कि कई लोगों को जैसे लगता है, मुझे मैसेज जो आते हैं कि सर मैं 60+ हूँ और मुझे लगता है कि अब मेरी एज तो निकल गई है सीखने की, या मैं 40+, इस तरह की बात है। तो ये मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि शायद अब हम नहीं सीख सकते। तो सिंगिंग के लिए खास तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि टीचर के पास जाएंगे जिस दिन, और जिस दिन से आप घंटों रियाज शुरू कर देंगे, तब वो ट्रेनिंग मानी जाएगी या वही सीखना होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वीडियो देख रहे हैं या इस तरह की जितनी भी रिसर्च कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, गाने के इंटरेस्ट के लिए, जहाँ जहाँ से जिस तरह से भी आप जानकारी करते हैं वो भी आप सीख ही रहे हैं। और एक और बात कि वो भी जो सीखना है कि टीचर से आपने शुरू किया और अपना रियाज, वो भी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। और सिंगिंग तो एक ऐसी चीज़ है कि जो हर इंसान कर सकता है। जो भी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो गा नहीं सकता। कोई थोड़ा अच्छा गाएगा, कोई कम या कोई बहुत अच्छा, ये तो होगा, लेकिन गा सब सकते हैं, सारे लोग सब गा सकते हैं। आप जिस लेवल पे भी हैं, आप अपनी सिंगिंग को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके ढेर सारे माध्यम हो सकते हैं। उसको बेहतर करने के लिए आप किसी टीचर से सीख सकते हैं और कुछ जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी ना डरें कि कोई खास एज होती है इसके लिए, या ये कोई बहुत ऐसी ट्रेनिंग होती है जो यंग एज में या बच्चे ही कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जितना आप उसमें उतरना चाहेंगे उतना उतर सकते हैं, ये सब कुछ आपके हाथ में है। दूसरी बात, अगर एज की बात करें तो ये सिर्फ म्यूजिक के ही लिए नहीं कहा जाता। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो शुरू में जो भी चीज़ें सीखते हैं वो ज़्यादा अच्छे से असर करती हैं उन पे, क्योंकि उस टाइम बच्चे का मन बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रहा होता, तो इस वजह से वो एज म्यूजिक के लिए भी अच्छी मानी जाती है। लेकिन आप इसके बाद किसी भी एज में जब चाहें तब सीख सकते हैं। बच्चे का ये होता है कि अगर बचपन में एक बार सीख लिया तो उसकी ये ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, उसके बाद बेशक वो सीखना बंद कर दे लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है उसका सुनने का लेवल। इसी तरह अगर आप बचपन में नहीं सीख पाए हैं तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई एज निकल गई है। आपके पास जितना समय है, जो समय है, उसमें ये नहीं है कि कितने घंटे दिए जाते हैं, कितना हार्डवर्क है, ये कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपके हालात और आपके ज़रूरत और आपकी जो डेडिकेशन है उससे रिलेटेड होता है और उसी से डिसाइड होता है। तो आप का जितना इंटरेस्ट है म्यूजिक में, जिस तरह का इंटरेस्ट है, उसको देख के ही आपका टाइम और मटेरियल डिसाइड हो सकता है। लेकिन आपके मन में ये अगर संकोच होता है कि मुझे शायद अब अच्छा नहीं लगेगा, किसी से मैं कहूँगा कि मैं सीखना चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ, ये तो इस तरह का बिल्कुल भी आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आप किसी और के लिए नहीं, अपनी पसंद की चीज़ सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं आप। इनफैक्ट आप ये ना सोचें कि कुछ कोई खास चीज़ होगी जब आप ये डिसाइड करेंगे कि अब मैं सीखूँ। आप ऑलरेडी सीख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आप सीख ही रहे हैं। तो आप इतना जान लीजिए कि आपकी जो भी एज है और आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, गाना पसंद कर रहे हैं, तो इसका बिल्कुल मतलब साफ है कि आप उसमें अपने इंटरेस्ट को देखते हुए और भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसमें। अगर चाहते हैं कि कुछ सीख के कुछ बेहतर हो सकता है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है ये मानने के लिए कि किसी एक खास एज में ही आप ये सीख सकते हैं, आप म्यूजिक पसंद करते हैं, बस इतना काफ़ी है, एज आपकी जो भी हो। तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।